गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज के वीडियो में थ्योरम नंबर 6 पढ़ना है। इसके पहले 5 थ्योरम आपको पढ़ाए थे, ठीक है। थ्योरम नंबर 6 पढ़ना है। थ्योरम नंबर 6 क्या है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आइए देखिए, हमने एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाया, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाया और जिसके विकर्ण देखिए एसी और बीडी एक दूसरे को हमने मिलाया, जो एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, ठीक है। तो देखिए गिवन है, गिवन क्या है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण, क्या लिखिए, जिसके विकर्ण एसी और बीडी परस्पर, ठीक है, परस्पर प्रतिच्छेद कर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित करते हैं, क्या लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सिद्ध क्या करना है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, मतलब कि ये OA इक्वल टू OC OB इक्वल टू OD, ठीक है। तो देखिए ऐसा त्रिभुज हम लेके उसको सर्वांगसम करेंगे जिससे कि ये जो चारों भुजाएं वो आ जाएं, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रूफ में, प्रूफ देखिए हम ले लेते हैं त्रिभुज AOB और COD, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। आइए देखिए आप इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दीजिए, ठीक है। अगर सर्वांगसम कर देते हैं तो आपका ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। आइए देखिए जरा ये बताइए कि यहां से अगर इसको एंगल 1 मान रहे हैं और इसको एंगल 2 मान रहे हैं, ठीक है, अगर इसको 3 मान रहे हैं और इसको अगर 4 मान रहे हैं, ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंतःएकांतर कोण। फिर देखिए AB इक्वल टू CD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा जो कि समान होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 3 इक्वल टू 4 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और देखिए किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए कम से कम तीन शर्त चाहिए ही, जिसमें कम से कम एक भुजा हो, ठीक है। तो क्या हुआ, अब त्रिभुज AOB कांग्रुएंट हो गया COD के बाई एंगल साइड एंगल कांग्रुएंस कंडीशन, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं, अब देखिए अतः हम लिख सकते हैं OA इक्वल टू OC, क्यों, बाय CPCT। फिर उसके बाद OB इक्वल टू OD, क्यों, ये बाय CPCT, ठीक है। ये हो गया हमारा थ्योरम प्रूफ, ठीक है। देखिए आप सिद्ध क्या करना था, इसमें स्टेटमेंट हमारा था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो हमने गिवन दैट में क्या लिखा, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण एसी और बीडी परस्पर, यहां पे लिख सकते परस्पर बिंदुओं पर लिख सकते हैं,
परस्पर यहां पे बिंदुओं पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हुए, ठीक है। अब उसके बाद टू प्रूव दैट, मतलब कि ये जो OA है वो OC के इक्वल है और ये OB जो है वो OD के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए यहां पे प्रूफ में हमने क्या क्या लिया कि त्रिभुज AOB मतलब AOB और COD ले लिया, ठीक है। देखिए आप यहां पे AOD और BOC भी ले सकते हैं, ये जरूर नहीं कि हम यही लें, ठीक है। ये बस ये है कि अपोजिट पेयर लेंगे, अपोजिट पेयर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बस केवल अपोजिट पेयर लेंगे, ये लेंगे तो ये लेंगे, अगर ये लेंगे तो ये लेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए यहां पे AOB एंड COD, तो हमने एंगल 1 इक्वल टू 2, क्योंकि देखिए ये AB पैरेलल क्या है CD है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहां तो देखिए 2। फिर उसके बाद एक भुजा मतलब AB इक्वल टू CD, क्योंकि समांतर चतुर्भुज समूह भुजाएं समान होती है, हमने प्रूफ करवाया। उसके बाद देखिए एंगल 3 इक्वल टू 4 बाय अल्टरनेटिंग एंगल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, जब ये और ये सर्वांग, इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट ये हो गया, इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट ये हो गया, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गुएंट एंगल से ये क्या हुआ बाय सीपीसीडी प्रूव्ड हो गया। नोट कर लीजिए आप, नेक्स्ट थ्योरम बताते हैं। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 7, उसी का अपोजिट जो 6 था उसी का जस्ट अपोजिट है। यहां पे देखिए कह रहा है कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये स्टेटमेंट है कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो आइए देखिए हमने गिवन दैट में मतलब दिया क्या है, वो दिया कि एबीसीडी एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदुओं पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि OA इक्वल टू OC है और OD इक्वल टू OB है, ये था, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसके पहले वाले थ्योरम में क्या था कि हमको यही सिद्ध करना था, ठीक है, और वहां पे दिया हुआ था समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे ये चीज दे दिया है, अब सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आइए प्रूफ देखिए, देखिए हम वही त्रिभुज दोनों ले लेते हैं, करेंगे क्या, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर देंगे, ठीक है, चाहे इसको इसको ले चाहे इसको और इसको ले लें, तो हम इसको और इसको ले ले रहे हैं, उसके बाद इसको और इसको सर्वांगसम कर दे रहे हैं, ठीक है। सर्वांगसम करने के बाद देखिए हम ये वाला कोण इसके बराबर कर देंगे बाय सीपीसीटी, चूंकि ये कोण और ये कोण कैसे कोण है, अंतःएकांतर कोण है, तो अंतःएकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सीडी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर उसके बाद ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये, और एक थ्योरम है, देखिए यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर है तो वो चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो देखिए एक तो दो तरीका है, इसी प्रकार करके हम इसको पैरेलल इसके कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए किसमें, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, ठीक है। तो देखिए यहां पे 1 इक्वल टू, सुनो 1 इक्वल टू 2 पहले ही थोड़ी होगा, चलिए दिया क्या है, OA इक्वल टू OC ये तो दिया है, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या ये एंगल बराबर हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2 हम ले लेते हैं, यस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट
एंगल, मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये बराबर हो गया। फिर उसके बाद OB इक्वल टू OD, ये हो गया, क्यों, ये भी दिया हुआ है, ठीक। तो क्या हुआ, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हुआ COD के बाई साइड एंगल, साइड कांग्रुएंस कंडीशन। तो यहां से हम कर सकते हैं कि ये वाला एंगल मतलब 3 इक्वल टू 4, ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। और लिखिए, चूंकि एंगल 3 और एंगल 4 अंतः एक अंतर कोण है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, AB पैरेलल CD हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब ये अंतः एकांतर कोण है तो इसलिए AB पैरेलल CD है, हो गया, जिसमें AC एक तिर्यक रेखा है, AC जो है वो तिर्यक रेखा है। तो इसी प्रकार देखिए, यहां पे इसी प्रकार ट्रायंगल BOC कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायंगल AOBOC, ठीक है, BOC बराबर हो जाएगा DOA के, DO सर्वांगसम हो जाएगा DOA के। फिर देखिए, जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एंगल 5 और एंगल 6, ठीक है, जब एंगल 5 और 6 मान लेते हैं तो इसलिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाई CPCD, ठीक है, बाई CPCD। और चूंकि लिखेंगे एंगल 5 और एंगल 6 अंतः एकांतर कोण है, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, BC पैरेलल AD इक्वेशन नंबर 2 हो गया। लिख दीजिए समीकरण 1 पर 2 से, ठीक है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया, ठीक है। यहां पे देखिए, अब एक और तरीका था, अभी इसके आगे हम थ्योरम आपको वो वाला बताते हैं। इसी यहां से जैसे हम एक को पैरेलल सिद्ध कर देते हैं और एक को बराबर सिद्ध कर देते हैं, वहां ये थ्योरम लगा, ये इतना नहीं करना पड़ता, ये यहां इसी प्रकार से इतना नहीं करना पड़ता। उसमें थ्योरम क्या है कि किसी चतुर्भुज की समूह भुजाओं का एक युग परस्पर समांतर एवं बराबर है तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये इसको पहले आप नोट करिए, ठीक है, देखिए उसी वाले थ्योरम का जस्ट अपोजिट था, हमने जो जो दिया हुआ स्टेटमेंट में हमने ये लिखा, उसके बाद जो जो उसमें दिया हुआ था वो हमने लिख दिया कि चतुर्भुज ABC के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात इसका मतलब OA बराबर OC हो गया, OB इक्वल टू OD हो गया। फिर हमने एक त्रिभुज लिया, इसको हम कांगन कर दिए, कांगन करने के बाद ये एंगल जो है एंगल 3 इक्वल टू 4 बाई CPCT से प्रूव कर दिए इक्वल है। उसके बाद चूंकि एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या है, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है, इसका मतलब AB पैरेलल क्या हो गया, CD हो गया। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। इसी प्रकार करके चाहते तो हम इसी प्रकार में कर सकते थे BC इक्वल टू BC पैरेलल AD, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये इसको लिख देते, तो यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया ये ट्रायंगल कांगुएंट है इस वाले ट्रायंगल के, मतलब ये वाला ट्रायंगल इसके कांगुएंट है, जब ये कांगुएंट है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो चूंकि ये एंगल दोनों क्या कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट हैं, तो ये उसके बाद जब अल्टरनेट है तो ये पैरेलल इसके हो जाएगा, ठीक है, ये पैरेलल इसके हो जाएगा, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर, इसको हम कौन सा मान लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। फिर 2 मानने के बाद
उसके बाद समीकरण वन व टू से क्या हो गया कि ए बी सी डी ए क्या है, समांतर चतुर्भुज। नोट कर लीजिए इसको, प्यारे बच्चों देखिए थ्योरम नंबर एट, थ्योरम नंबर एट है, स्टेटमेंट क्या है, देखिए स्टेटमेंट क्या, यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर है तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। आइए देखिए, हम ले लेते हैं एक चतुर्भुज, ठीक है, कोई भी एक चतुर्भुज लेते हैं, ठीक है, ए बी सी और ये डी हो गया। कह रहा है कि इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, तो लिखिए यहां पे चतुर्भुज ए बी सी डी में लिखिए ए बी इक्वल टू सी डी है और ए बी पैरेलल सी डी है, ये इतना दिया, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए हम ए को सी से मिला देंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ए को सी से मिलाए, ठीक है, ए को सी से हम मिला दे रहे हैं, ठीक है, ए को सी से हम मिला दिए। फिर देखिए प्रूफ लिखिए, देखिए हम यहां पे क्योंकि दिया क्या है, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन वन मान लेंगे, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। चलिए देखिए हम ले ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में। अब देखिए हम दोनों त्रिभुज ले लिए, उसके बाद क्या करते हैं कि इसको सर्वांग सम कर देते हैं, ठीक है। तो आइए, चूंकि दिया क्या है इसको मिटा दीजिए, हमको इसी का यूज है इसलिए हम इक्वेशन वन मान लिए। ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है, क्यों, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। फिर आप देखिए चूंकि ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है, यहां लिखेंगे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कि अंतर है का अंतर कोण, वन इक्वल टू टू हो गया। उसके बाद देखिए ए सी क्या है, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, तो हुआ क्या, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी डी ए की, वो कैसे, बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंस कंडीशन, ठीक है, ये यहां पे बराबर हो गया। फिर आप देखिए एंगल थ्री, एंगल इसको थ्री मान लीजिए, इसको फोर, ठीक है, तो यहां एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर हुआ बाई सीपीसीटी, ठीक है। और चूंकि क्या एंगल थ्री व एंगल फोर अंतर एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए हो जाएगा बी सी पैरेलल ए डी, जब ये अंतर एकांतर कोण है तो ये बी सी पैरेलल क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। आइए इसे इक्वेशन नंबर टू मान लिया हमने, अब कुछ नहीं, अब हो गया समीकरण एक व दो से, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है,
समीकरण एक व दो से अतः लिख देंगे, अतः ए बी सी डी एक क्या समांतर चतुर्भुज है। रुक, ठीक है, नोट कर लीजिए आप, वैसे तो कुछ ज्यादा है नहीं। देखिए इसमें जो जो दिया हुआ था वो हमने पहले तो स्टेटमेंट लिखा, यदि एक चतुर्भुज की समभुजाओं का एक युग परस्पर समांतर में बराबर है तो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, ये सिद्ध करना है। तो गिवन है, गिवन में क्या है, ए बी सी डी है, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल सी डी है। और फिर यहाँ पर प्रूफ है, क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए कॉन्स्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ए को सी से मिला दिया, यहाँ पे ए को सी से मिला दिया। उसके बाद प्रूफ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी है, तो यहाँ पे हमने लिखा ए बी पैरेलल सी डी, इसे इक्वेशन पहले ही इक्वेशन नंबर वन मान लिया हमने। उसके बाद ये त्रिभुज ले लिया, ए दो त्रिभुज, देखिए जब ए को सी से मिला तो यहाँ पे दो त्रिभुज फॉर्म हुआ, तो दोनों को ले लिया हमने, एक ए बी सी और सी डी ए, ये दोनों ले लिया हमने। उसके बाद इसको क्या किया, हम इसको सर्वांगसम कर दिए, कॉन्वेंट कर दिए, या ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है और वन इक्वल टू टू बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल ये दिया हुआ है। उसके बाद ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन हम लिख दिए, फिर क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो यहाँ पे एंगल थ्री इक्वल टू फोर हमने कर दिया, थ्री इक्वल टू फोर, और चूंकि एंगल थ्री और फोर क्या है, अंतः एकांतर कोण है, और अंतः एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को तिरेक रेखा काटती है, तो अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से इससे क्या हुआ कि बी सी पैरेलल क्या हो गया, ए डी हो गया, जब बी सी पैरेलल ए डी हो गया तो इससे इक्वेशन नंबर वन टू मान लिए, वन पहले ही था टू, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू समीकरण एक बार दो से क्या हुआ, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं समांतर होती हैं, बराबर भी होती हैं, समांतर होना यही हो जाता है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, नोट करिए आप इसको। तो प्यारे बच्चों देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही, ये तीन थ्योरम आप रिवाइज करिएगा, लगाइएगा, फिर आगे कुछ थ्योरम्स और हैं। पहले तो इस इन थ्योरम्स पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लगवाते हैं आपसे, ठीक है, अब आप इसको लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।